सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अभी मकर संक्रांति चल रहा है और इस मकर संक्रांति में बिरला फैमिली और गोयनका फैमिली के पतंग कंपटीशन के अलावा एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता नजर आने वाला है और उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सीरियल में देख ही रहे होंगे कि कैसे अभिमन्यु अक्षरा से दूर नहीं जा पा रहा है, वो बार बार गोयनका हाउस आ जाता है और आपने देखा ही होगा कैसे अक्षरा और अभिमन्यु के बीच क्यूट मोमेंट्स नजर आते हैं। आपने देखा ही होगा कैसे अक्षरा और अभिमन्यु एक बच्चे को बचाते नजर आते हैं, जहां वहां भी उन दोनों का रोमांस देखने को मिलता है। वहीं सीरियल में अब हर्षवर्धन ने नील को अपने से दूर भेज दिया है ताकि वो अभिमन्यु से दूर रहे और इसके बारे में अभिमन्यु को भी पता नहीं है। साथ ही बिरला फैमिली और गोयनका फैमिली अनजाने में ही एक ही जगह मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने चले गए हैं, जहां दोनों के बीच पतंग कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको सीरियल में दोनों परिवारों के बीच डांस फेस ऑफ भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन इन सब के अलावा सीरियल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब मकर संक्रांति में एक हादसा होने वाला होगा, जहां बिजली के तार के बीच शॉर्ट सर्किट होता नजर आएगा और उस हादसे से सभी को अक्षरा बचाती नजर आएगी और आप सीरियल में देखेंगे कि अक्षरा का साथ अभिमन्यु भी देता नजर आएगा। लेकिन इन सब में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गोयनका फैमिली और बिरला फैमिली अक्षरा और अभिमन्यु की शादी के लिए कैसे मानते हैं। आपको सीरियल में अक्षरा यानी प्रणाली राठौर की एक्टिंग कैसी लगती है कमेंट में आप हमें जरूर बताएं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह टीवी सीरियल रिश्ते का कहलाता है जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।